दोस्तों हमारे देश भारत में टीवी न्यूज चैनल का बोलबाला बहुत ज्यादा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर छोटी से छोटी बातें हम न्यूज चैनल पर आसानी से समझ लेते हैं, और देश और दुनिया में चल रही सारी खबरों का ब्यौरा हमें टीवी न्यूज चैनल पर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की टॉप 10 महिला पत्रकारों के बारे में बताने वाला हूँ। कौन है भारत की टॉप 10 फीमेल न्यूज एंकर जिनका सिक्का चलता है टीवी न्यूज चैनल्स पर। उन सभी टॉप 10 न्यूज एंकर्स की एक महीने की कमाई भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ ही उनके पॉपुलर शोज के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। न्यूज एंकर्स में से आपका फेवरेट कौन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसका अंदाज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। इस लिस्ट में नंबर 10 पर रखा गया है नेहा पंत को। नेहा पंत न्यूज 18 इंडिया की एक फेमस न्यूज एंकर है। इससे पहले वो एबीपी न्यूज चैनल में भी 7 साल तक काम कर चुकी हैं। एबीपी न्यूज चैनल में उनका पॉपुलर शो रहा हम तो पूछेंगे। इस शो से वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि उनकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती गई। फिलहाल उनको एक महीने के 35 लाख रुपए सैलरी मिलती है। नंबर 9 पर आती है मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी जोशी इंडिया टीवी न्यूज चैनल की एक फेमस पत्रकार है। इंडिया टीवी पर सुबह को बाबा रामदेव के साथ आने वाला योग शो इनका बहुत पॉपुलर हो चुका है। एक महीने का उनको मिलता है करीब 40 लाख रुपए। नंबर 8 पर आती है ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा अनिरुद्ध बहुत सीनियर टीवी न्यूज एंकर हैं। IBN 7 में वो काम कर चुकी हैं। उनका पॉपुलर शो रहा है जिंदगी लाइव। वो यूट्यूब पर भी जिंदगी लाइव विद ऋचा नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं। नंबर 7 पर आते हैं रोमाना इसरार खान। रोमाना इसरार खान एबीपी न्यूज चैनल की एक बहुत ही लाजवाब न्यूज एंकर है। न्यूज 24 के साडा हक से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, और अब एबीपी न्यूज चैनल पर वह क्रिकेट में भी वो नजर आती हैं। उनकी एक महीने की सैलरी करीब 45 लाख रुपए है, और उनका अंदाज न्यूज पेश करने का बेहद काबिले तारीफ है। नंबर 6 पर आती है मीनाक्षी कंडवाल। मीनाक्षी कंडवाल आज तक की एक बहुत पॉपुलर न्यूज रीडर है। इससे पहले वो इंडिया टीवी एबीपी न्यूज के साथ भी काम कर चुकी हैं। एक महीने का उनको वेतन मिलता है करीब 50 लाख रुपए। नंबर 5 पर आती है नेहा बाथम। नेहा बाथम भी आज तक की एक बेहद ही फेमस न्यूज रीडर है। उनका एक पॉपुलर शो भी रह चुका है 1 और 11, और उसके अलावा और दिल टूट गया जैसे फेमस शो बनाकर वो रातों रात बहुत बड़ी पत्रकार बन चुकी हैं। अभी वो आज तक पर सुपर फास्ट 100 न्यूज मॉर्निंग में पेश करती हैं। उनकी एक महीने की सैलरी करीब 55 लाख रुपए है। नंबर 4 पर आती है चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी भी आज तक की एक बहुत बड़ी पत्रकार है। 55 लाख एक महीने का उनको वेतन दिया जाता है, और वो फेमस हुई थी जब कुंभ को उन्होंने बुलेट बाइक पर राइड करके रिपोर्टिंग की थी। चित्रा त्रिपाठी ही उन 55 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सिस्टर माना था। नंबर 3 पर आती है रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज चैनल की बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर हैं, और उनका बेबाक अंदाज काफी लोगों को पसंद आता है और काफी लोगों को नापसंद भी आता है। वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के भी इंटरव्यू ले चुकी हैं। अपनी स्टाइल से बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली रूबिका लियाकत को एक महीने के 60 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इससे पहले वो जी न्यूज में भी काम कर चुकी हैं, और जी न्यूज के ताल ठोक के शो से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। नंबर 2 पर आती हैं श्वेता सिंह। श्वेता सिंह आज तक की बहुत सीनियर न्यूज एंकर हैं। एक महीने के उनको मिलते हैं करीब 80 लाख रुपए। फिलहाल वो लद्दाख जाकर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करके आई थी जब इंडिया और चीन का विवाद चल रहा था। स्टूडियो में बैठकर वो बहुत कम होस्टिंग करती हैं, मोस्टली वो ग्राउंड लेवल पर ही रिपोर्टिंग करना पसंद करती हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर ही दिल्ली के बहुत बड़े बड़े अस्पतालों का जायजा लिया था। अब नंबर 1 पर रखा गया है अंजना ओम कश्यप को। अंजना ओम कश्यप आज तक की सीनियर न्यूज रिपोर्टर हैं। 80 लाख रुपए एक महीने का वेतन पाने वाली अंजना ओम कश्यप की पॉपुलैरिटी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका हर शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। दो टूक से लेकर आज तक पर शाम को 5 बजे प्रसारित होने वाली सबसे बड़ी बहस दंगल में भी वो कई बार नजर आ चुकी हैं। अंजना ओम कश्यप आज तक की बहुत बड़ी पत्रकार बन चुकी हैं। तो ये थी टॉप 10 भारत की महिला पत्रकार जिन्होंने भारत की टेलीविजन मीडिया में तहलका मचा रखा है। आपको इनमें से कौन सी पत्रकार सबसे ज्यादा पसंद है
कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका अंदाज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा हम उसे पिन जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।